एकादशिया हरदीप उज्जवल राहुल नागर तिराम ये सभी अरुण व दीपक ये सभी 11,000 रूपये की महाराज समृद्धि चिन्ह देके माननीय हमारे राजेश नागर जी का स्वागत कर रहे हैं। कन्नी नंबरदार जी भाई आ रहा हूँ। हमारा ही अपना गांव है, हमारे टिकाव से ही ज्यादा सारे परिवार सभी परिवार यहाँ ही रह रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है चुनावी रन चल रहा है, 5 तारीख को चुनाव होने हैं और अभी बहुत सारी चीजें कुछ समय पहले हुई। हमारे प्रधान हमारे 84 किसान रहे धर्मवीर जी और उनके पुत्र जेपी नागर जी 2009 में उनकी टिकट कटी, 2014 में भी उनकी टिकट कटी और पुराने नेता हैं वो। यशपाल नागर जी भी पुराने नेता हैं, हमारे गांव के भी हैं दोनों, पर 2009 में 9 टिकट कटी वो तो नहीं रोए, 2014 में टिकट कटी वो तो नहीं रोए, रोए रोए बताओ नहीं रोए। आजाद भी नहीं खड़े हुए, खड़े हुए आजाद, आजाद खड़े हुए नहीं हुए। तो ये देखो क्या हो रहा है, जिस भाई को पार्टी ने 3-3 बार टिकट दी, एक बार एमएलए भी बनाया और उस एमएलए बनाने में हमारे दोनों भाइयों का बहुत सहयोग रहा, जेपी नागर जी का यशपाल नागर जी का। हाँ 1400 वोट से तो जीता, दोनों का सहयोग रहा और आज पार्टी ने टिकट दे दी तो क्या हो गया, आजाद लड़ रहे हैं। पर सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए तो देखो ये राजनीति है, चलता रहता है। और रोता कौन है, कमजोर हमारे तो कहें बीरबोनी रोवे है, रोवे बीरबोनी जो अभी से रो रहे हैं आगे क्या करेंगे, रो के क्या दिखाना चाहते हैं, सहानुभूति लेना चाहते हैं, हैं सहानुभूति लेना चाहते हैं। अरे चुरा तो तुमने घोपा, अभी थोड़ी देर पहले चुनाव हुए थे, तुम इनके सारे लोग तो हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हमें वोट डाली नहीं डाली तो बताओ, और हम कहते हैं 84 में घोपा, 84 में वो चुरा घोप दिया, जेपी नागर 84 का नहीं है, यशपाल नागर 84 का नहीं है, बताओ तुमने। चंद्र सरपंच हमारे साथ वोट मांगा, चंद्र सरपंच ने जगबीर सरपंच ने हमारे साथ वोट मांगी, हमारे मंच पे बैठे वो, नहीं बैठे तो बताओ भारतीय जनता पार्टी को वोट दी कि नहीं दी बताओ, और अब कहते हैं पार्टी ने टिकट काट दी, चोरी कर लेगी पार्टी टिकट, जब तुम पार्टी के नहीं तो पार्टी तुम्हें कैसे टिकट देगी, हमने काट दिया टिकट, कोई भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया टिकट, बताओ जब पार्टी को धोखा दोगे तो अपने नेता के पीठ पे चुरा घोपा इन्होंने, नहीं घोपा तो बताओ महेंद्र प्रताप किसकी के पीठ पे चुरा नहीं घोपा बताओ, नहीं घोपा तो बताओ, अब रो रो के दिखा रहे हैं, सहानुभूति ले रहे हैं और कहते हैं ये डरपोक विधायक है, डरपोक स्पीकर ऑन करके बात करता हूं, कोई बड़े से बड़ा अधिकारी हो सीएमओ कोई हो, नहीं करता तो बताओ, करता हूं नहीं करता, स्पीकर ऑन करके बात करता हूं। तिगांव में विधान तिगांव में जब रैली हुई थी तिगांव में मुख्यमंत्री के सामने, मुख्यमंत्री के सामने तिगांव में जब रैली हुई थी, हुई थी थे आप लोग, मैंने क्या कहा था, कुछ अधिकारी अच्छे हैं काम करते हैं, कुछ अधिकारी ऐसे काम नहीं करते, चक्कर कटवाते हैं, लोगों को घुमाते हैं, इनको आज ही अपने साथ चंडीगढ़ ले जाओ, बोला था अपने सत्ता पक्ष के खिलाफ, बोला अपने मुख्यमंत्री के सामने स्टेज से बोला, कोई नेता बोल सकता है मुख्यमंत्री के सामने के अधिकारियों को ले जाओ ये काम नहीं करते, बोल सकता है बताओ, बोल सकता है तो बताओ, कहता है कि भाई तो अधिकारी नहीं काम करते, अधिकारी नहीं डरते, स्पीकर ऑन करके बात करता हूं, रही विकास की बात, कितने विकास कार्य किए, आपके गांव को गोद भी लिया 50 लाख